राजस्थान में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर हरियाणा के गैंगस्टर संदीप शेट्टी की हत्या अदालत में कर दी गई है। अपने साथ शव भी ले गए हैं। अभी तक आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे कोर्ट के बाहर से गैंगवार होती है और वहां पर खुले आम गोलियां चलाई जाती हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और उसके बाद जो भी होता है, जिसको लेने के लिए गैंगस्टर आए होते हैं, उसे लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन अब ये फिल्मों में नहीं, हकीकत में होने लगा है। और आज ऐसी ही घटना सामने आई है राजस्थान के नागौर से, जहां पर कोर्ट के बाहर ये पूरी घटना अंजाम दी गई है। दरअसल ये घटना जो अंजाम दी गई है, उसमें गैंगवॉर की जो पूरी आशंका है वो जताई जा रही है। और जो गैंगस्टर था, जो पेशी पर आया हुआ था, वो दरअसल हरियाणा का ही रहने वाला था, जिसकी पेशी राजस्थान के नागौर में हुई थी और वो पेशी पर गया हुआ था। इसी दौरान वहां पर गैंगवॉर हो गई और उसमें गैंगस्टर जो है पूरी तरीके से घायल हो गया। अब वो जिंदा है भी या नहीं है, इसकी किसी भी तरीके की कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है। हालांकि कुछ जो है वेबसाइट की तरफ से ये जरूर बताया गया है कि वो उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। दरअसल नागौर शहर में सोमवार को कोर्ट के बाहर जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, वो पूरी तरीके से फिल्म की तरह लग रहा था। लेकिन हकीकत में गैंगस्टर, जो हरियाणा का गैंगस्टर है संदीप शेट्टी, उसकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये कुछ जो है रिपोर्ट्स में बताया गया है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश जो है वो चंद मिनटों में ही मौके से फरार हो गए। और ये पूरी घटना कहां हुई है? कोर्ट के बाहर हुई है। कोर्ट के बाहर कोई भी राज्य हो, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, कांग्रेस शासित राज्य हो या फिर दूसरे कोई राज्य हो, वहां की लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा मायने रखता है। सरकार किसी की भी हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। अब जिस तरीके से राजस्थान के नागौर के कोर्ट के बाहर यह घटना हुई है, उसके बाद पूरे के पूरे राज्य में दहशत फैली हुई है। आपको बता दें, इस फायरिंग में गैंगस्टर को कई गोलियां लगी। उधर फायरिंग के बाद सभी बदमाश एक ही गाड़ी में सवार होकर मौके से फरार हो गए। जाते जाते बदमाश जो है गैंगस्टर संदीप को भी जख्मी हालत में ही उठा ले गए। यानी हद तो तब हो गई जब उन्होंने गैंगस्टर जिसको गोली मारी उन्होंने कोर्ट के बाहर, उसको वहीं पर छोड़ा नहीं, उसको उठाकर अपने साथ लेकर चले गए। इस वारदात की वजह से गैंगवार जो है पूरी तरीके से छिड़ गई और इसकी वजह भी यही बताई जा रही है। पुलिस को यह भी आशंका है कि फायरिंग करने वाले सभी के सभी बदमाश हरियाणा से ही आए हो सकते हैं। पुलिस ने यह भी बताया है कि नागौर कोर्ट में जिस तरीके से कुख्यात गैंगस्टर संदीप शेट्टी जो है वो पेशी पर आया हुआ था, पुलिस उसे लेकर कोर्ट के अंदर घुस ही रही थी कि दो स्कॉर्पियो में सवार होकर आए बदमाशों ने उसे लक्ष्य कर फायरिंग शुरू कर दी। ये सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। इधर बदमाशों की गोली लगने से गैंगस्टर संदीप जो है वो जमीन पर गिर गया। उसके बाद बदमाशों ने उसे मरा हुआ समझ कर उठाया और गाड़ी में डालकर मौके से फरार हो गए। यानी सारी की सारी जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है उसकी जमकर धज्जियां जो हैं वो कोर्ट के बाहर ही, यानी न्याय के मंदिर के बाहर की गई। पुलिस ने आपको बता दें, इस पूरी घटना के बाद मौके से कारतूस के करीब 10 खोखे बरामद किए हैं। दिन दहाड़े कोर्ट के बाहर हुई इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैली हुई है। वहीं पुलिस की तरफ से पूरे इलाके में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश जारी है। गैंगवार में गैंगस्टर संदीप शेट्टी के एक साथी को भी गोली लगी है। वहीं एक गोली कोर्ट के बाहर खड़े एक वकील को भी छू कर निकल गई। घटना के बाद सभी को नागौर के JLN अस्पताल ले जाया गया, जहां संदीप शेट्टी की मौत हो गई। वहीं संदीप शेट्टी के साथी को पुलिस ने डिटेन कर अस्पताल पहुंचाया है। घटना की सूचना मिलने पर SP राममूर्ति जोशी, एडिशनल SP राजेश मीणा सहित पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं अचानक अंधाधुंध फायरिंग होने से मौके पर अफरा तफरी जिस तरीके से फैल गई, उससे लोगों में अब तक दहशत है। लोग इधर से उधर भागने लगे, खुद सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी भी अपनी जान बचाते हुए नजर आए। इतना दहशत भरा माहौल देखने को मिला। बताया यह भी जा रहा है कि वारदात के लिए आए सभी बदमाश प्रोफेशनल शूटर हैं और हरियाणा के ही रहने वाले हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने यह भी बताया कि बदमाशों ने करीब 8 राउंड फायरिंग की। यह भी बताया गया कि बदमाश दो गाड़ियों में सवार होकर आए थे
और उन्होंने अपने टारगेट पर लक्ष्य जो है स्थापित किया और उस पर ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग करना शुरू कर दिया। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ये जो संदीप शेट्टी है, जिसको गैंगस्टर बताया जा रहा, बदमाश बताया जा रहा है, ये आखिर है कौन। आपको बता दें कि संदीप शेट्टी जो है वो हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर है। नागौर के रघुवीर हत्याकांड के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी और कुछ वक्त पहले ही उसकी जमानत भी हो गई थी। सोमवार को पेशी पर नागौर कोर्ट उसे लाया गया था, जहां बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग करते हुए उसकी हत्या कर दी। गैंगस्टर की हत्या पर जो है सांसद जो है हनुमान बेनीवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने नागौर शहर में न्यायालय परिसर में सरेआम फायरिंग करके एक व्यक्ति की हत्या कर देने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक का आवास इस न्यायालय परिसर से महज 50 मीटर और कलेक्टर एसपी कार्यालय जो है महज 100 मीटर दूर है। ऐसे में इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि नागौर सहित प्रदेश में बढ़ता अपराध चिंता का विषय है। वैसे आपको बता दें कि ये अभी राजस्थान की आज की ही घटना है, लेकिन इससे पहले योगी बाबा के राज्य में यानी यूपी में भी गैंग वॉर देखने को मिली थी, जब हापुड़ के जिला कोर्ट में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया था। जिला अदालत में पेशी पर आए एक आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरी तरीके से सनसनी फैल गई थी और इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था। आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, लेकिन इस वाले मामले में ऐसा नहीं हुआ। आरोपी यहां पर फरार तो हुए लेकिन साथ में उस गैंगस्टर को भी लेकर चले गए, जिस पर उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से गोलियां बरसाई थी। वैसे ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है उस पर सवाल तो उठना लाजमी है, और यह भी जो है सरकार को यहां पर बताना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर में इतनी बड़ी जो हेरा फेरी है वो कैसे हो गई, या फिर ये पूरी तरीके से किसी भी तरीके की प्लानिंग के तहत किया गया है। यह भी एक सवाल जो है वो कहीं ना कहीं जरूरता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर इस तरह के वारदात पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।